एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग एंड आज बहुत ही एक एक्साइटिंग सेशन होने वाला है जिसका आप सब लोग वेट कर रहे हो कोडिंग पे चर्चा 1.0 विद मुन्ना भैया. सो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना एंड आई एम प्रतीक एंड आई एम co-founder at Coding Blocks and I have done my BTEC from DTU, currently doing MS in Machine Learning from IIT Delhi. So I take lot of courses on programming. So इसलिए हमारे साथ आज मुन्ना भैया भी हैं who is also the co-founder of Nagaro Software, Vidya Mandir Classes, Coding Blocks and he has been a graduate of IIT Delhi but from Electrical Engineering. But he is running a IT company. So आज इनके experiences के बारे में पूछेंगे इन्होंने कैसे coding start की एंड बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया है 12th पास किए है उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे. तो हमें अराउंड 400 प्लस क्वेरीज रिसीव हुई थी तो आप सबके क्वेश्चन आंसर करने के लिए आज हमारे साथ मुन्ना भैया एंड आई वेलकम मुन्ना भैया. थैंक यू सो मच. सो तो स्टार्ट करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एंड दिस सीरीज विल बी अ 3-day सीरीज. तो आज हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए कि जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया उनको कोडिंग में क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करियर में ग्रो करना है. नेक्स्ट पार्ट में उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने कॉलेज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि जीसॉक करें, कॉम्पिटिटिव करें या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो कोडिंग कैसे करें. तो ये वाली सीरीज हम कल स्ट्रीम करेंगे एंड थर्ड डे हम कोडिंग के करियर एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कैसे लेनी है या कैसे प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यूज के लिए, या आप कॉलेज और ब्रांड में कन्फ्यूज हो रहे हो तो आपको क्या पिक करना है, या अपना स्टार्टअप कैसे खोलना है. सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं. सो स्टे ट्यून्ड, इन सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद टुडेज फर्स्ट टॉपिक कोडिंग फॉर बिगिनर्स, कैसे स्टार्ट करें कोडिंग. हाय एवरीवन, थैंक यू प्रतीक फॉर गिविंग माय इंट्रोडक्शन. सो आई एम नॉट सो यंग लाइक हिम, ही पास कॉलेज इयर्स बैक. आई पास कॉलेज इन 1994, सो ऑलमोस्ट 25 इयर्स बैक. तो तब और हमें बहुत फ़र्क है. जब मैं कॉलेज में गया था तब तो पर्सनल कंप्यूटर्स भी नहीं थे और इंटरनेट भी नहीं था. सो आई बिलोंग टू दैट वर्ल्ड. सो मैं आज इस पर जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि देखो कि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कोडिंग अब क्वेश्चंस भी लेंगे बट ब्रीफ आइडिया कि जैसे मैंने अपना करियर, मैंने इलेक्ट्रिकल पास करते हुए भी मैंने यू नो आई एम पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कंपनी. तो मैंने जो आपको सरप्राइज होगा, आई स्टार्टेड माय कोडिंग इन 7th ग्रेड विद सिंक्लेयर मशीन. देयर यूज्ड टू बी सिंक्लेयर मशीन एंड यूज्ड टू मेक प्रोग्राम. भैया लोग मुझे गाइड करते थे कैसे बनाना है. तो उसके बाद मैं जब इलेक्ट्रिकल में गया, स्टिल आई कुड कंटिन्यू विद माय यू नो कोडिंग पैशन because I knew coding from school and college also I was you know doing coding all the time. तो उसके बाद job, ये वो time था college से pass करने के बाद, तो मैं कोई software company थी नहीं. India की अपनी Infosys और TCS ये software companies थी, सिर्फ multinational companies India में थी नहीं. तो job मिलना भी बहुत मुश्किल होता था. But still you know because I was so passionate about coding, I could become you know I co-founded Nagaro with my college friends. तो आज हम क्वेश्चंस लेके बात करते हैं. तो जैसे भैया से फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों ने कि भैया कोडिंग करनी क्यों है, मतलब अभी 12th में इतनी सब सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़े हैं, बट कोडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एंड कोडिंग की क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, मतलब कहाँ कहाँ कोडिंग यूज हो रही है. तो पहले उसके बारे में भैया से कुछ डिस्कस करेंगे. तो कोडिंग अगर आप देखिए, मतलब अब अगर इस तरह से देखेंगे कोडिंग कहाँ नहीं है, हर चीज़, हर जैसे आप सारे दिन आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं. फ़ोन यूज़ में एक तो हार्डवेयर है जिससे फ़ोन चलता है, और हार्डवेयर में जो ड्राइवर्स हैं वो भी सारी कोडिंग है. और जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप इंस्टाग्राम के ऐप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऐप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक के ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो सारे की सारी प्रोग्रामिंग है, सारी की सारी कोडिंग है. ब्राउज़र पूरा कोडेड है. तो और उसके अलावा भी अगर हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में आप मशीन्स हैं, उनमें आप एक्सरे कर रहे हैं, वो लगेगा आपको मशीन है, हार्डवेयर है, बट पूरी मशीन के पीछे जो सॉफ्टवेयर है, जो मशीन को पूरा कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, वो सारी की सारी कोडिंग है. आपने देखा होगा आजकल जैसे लाइक जो इलेक्ट्रिकल कार्स का ज़माना है, इलेक्ट्रिकल कार्स में अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स में अगर आप देखेंगे कि तो उसमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो उसमें बहुत ही छोटा कॉम्पोनेंट है. अगर उसकी पूरी कार की कॉस्ट निकालेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है, 60-70% कॉस्ट ऑफ द ऑफ दिस सेल्फ ड्राइविंग कार इज ऑफ द सॉफ्टवेयर, नॉट द हार्डवेयर. तो हर चीज़ में कोडिंग है. तो अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कोडिंग इसलिए, देखो पहले तो मुझसे ऐसे लोग पूछते हैं कि अगर मेरा इंटरेस्ट तो है नहीं कोडिंग में, तो मैं कोडिंग क्यों करूं. तो मैं कहता हूं कि आपको कैसे पता आपको इंटरेस्ट नहीं है. वो कहते हैं हमने 11th 12th में स्कूल में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, उन्होंने कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स लिया था. 11th 12th में जो कंप्यूटर करते हैं बच्चे,
वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो एग्ज़ाम में नंबर आ जाएं, या आपकी फिफ्थ सब्जेक्ट उनको अट्रैक्टिव लगता है कंप्यूटर साइंस, या बच्चों के पेरेंट्स ने बोला होता है, या उनको फिजिकल एजुकेशन नहीं करना होता इसलिए कंप्यूटर साइंस लेते हैं। वो तो सिर्फ रट्टा फिजिक्स, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे आप अपने सोशल साइंस पढ़ी होगी, ऐसे केमिस्ट्री याद करी होगी, वैसे कर रहे हैं वो। इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स कोडिंग करना, तो वो तो उनका, मैं कहूँगा काफ़ी लोगों का टाइम बेकार ही उन्होंने जो किया, और उससे जो भी इंप्रेशन बना रहे हैं कि कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बिल्कुल आप भूल जाइए। कोडिंग कर, जो प्रतीक पूछ रहे हैं कि कोडिंग क्यों ज़रूरी है करना, उसका अगर सबसे सिंपल आंसर देखिए, अभी मैं अभी आपको पता ही नहीं इंटरेस्ट है नहीं है, मैं कहूँगा लीव आउट द एक्सपीरियंस जो आपका 11th 12th में हुआ है, तो कोडिंग इसलिए क्योंकि अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, हायर स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, 80-90% ऑफ द जॉब जो है, स्पेशली हाई पेइंग जॉब्स, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर है। तो आप बाद में अगर आप अगर अनलेस कि आपका, मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं कोडिंग करनी जरूरी है, या तो आपको पैशन पता होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कि आपको मशीन से मजा आता है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, आपको आपको अगर मे बी आपके ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग, उनको पता है कि कस्टर आपको अच्छा लगता है कि कैसे ब्रिजेस कैसे डिज़ाइन होते हैं, सोसाइटीज़ कैसे डिज़ाइन होती हैं, आपकी पूरी सिटी प्लानिंग कैसे होती है उसकी सिटी जन, तब तो समझ आ रहा है कि अपने पैशन को परस्यू करो, कोडिंग बन जाओ। लेकिन आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, देन डेफिनेटली यू शुड एक्सप्लोर दिस, बिकॉज यू नो इतना ज़्यादा यू नो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस लाइन के अंदर। तो मैं प्रतीक, तुम भी यार, तुम तो अभी कॉलेज से पास हुए हो, तुम तो सारा उन लोगों से डील करते हो जो सुबह शाम कोडिंग करते हैं, तुम्हारे इतने खुद स्टूडेंट्स हैं, तो आप आपको आप तुम्हारे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि कोडिंग क्यों करनी चाहिए बच्चों को? राइट, तो एक रीजन तो यही है कि लाइफ का आपका जो हर एक एस्पेक्ट है वहाँ पे कोडिंग आ गया। आप खाना ऑर्डर कर रहे हो, आप जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट फाइंड कर रहे हो, आप गूगल मैप से कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, या आप घर पे कैब बुक कर रहे हो। तो यहाँ तो इंडिया में उबर ओला चलती है, बट बाहर जैसे भैया ने बोला सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो कार का काम क्या, आपका ड्राइवर भी वही है, आपका ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंड चाइना की बात करें तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में भी रोबोट्स आ गए हैं जो आपका खाना सर्व करते हैं, एंड न्यूज़ रूम्स में बॉट्स आ गए हैं जो न्यूज़ रीड करते हैं। तो काफ़ी जगह जो टास्क ह्यूमन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आजकल ईमेल्स टाइप करने में गूगल में स्वाइप फीचर आ गया है, तो वो ऑटोमेटिकली सोच लेता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, एंड इट जस्ट कम्प्लीट्स इट। तो काफ़ी कूल एप्लीकेशन देख तो कोडिंग से आ गई हैं। दूसरा ये है कि अगर अब दूसरी ब्रांच की बात करो, जैसे भैया ने बोला सिविल इंजीनियरिंग, आपका इंटरेस्ट ब्रिज डिज़ाइन करने में या नहीं है, अब ये सब एक्सपेरिमेंट्स कॉलेज में नहीं कर सकते। अब कॉलेज में आपको कोई ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर लाके नहीं दे रहा कि आप खुद बैठ के ब्रिज डिजाइन करोगे, उसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आप सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है। बट सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, एंड जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, एंड यू कैन लर्न एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप एंड्रॉइड करो, वेब करो, गेम डिजाइनिंग करो, मशीन लर्निंग करो, कूल इंस्टाग्राम फिल्टर्स बनाओ, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्कोप बहुत बढ़ जाता है। तो आपको अगर लग रहा है इंटरेस्ट नहीं है, बट एक बार आपको आके देखना पड़ेगा कि कोडिंग में है क्या चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे को भी लगता था यार मैं क्या करूँगा कोडिंग करके, मैंने भी 11th 12th में फिजिकल एजुकेशन रखा, बट फर्स्ट ईयर में आया तो पता चला नहीं इसमें तो बहुत कुछ है, एंड स्टिल आई एम लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को अभी भी नहीं पता, सो आई एम कॉन्टिन्यूसली लर्निंग न्यू स्टफ्स। एंड अब धीरे धीरे इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया कि रात को भी नींद आ रही होती है, बट मन कर रहा होता है कि कोडिंग कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि हमारे पास 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं थी, या हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया, ठीक है, तो अब कैसे स्टार्ट करें, मतलब सीखना है कोडिंग करनी, तो कैसे स्टार्ट किया जाए। तो आपसे भैया पूछना चाहूंगा कि क्या क्या आइडियल। तो जैसे मैंने कहा कि अपने जिनके पास भी सीएससी 11th 12th में, तो पहली बात तो वो माने ना उनको कोडिंग आती है, अनलेस उन्होंने कोई स्पेशल किया है, तो आप अपने आप को उनसे डिफरेंट मत मानो, क्योंकि आपके पास सीएस नहीं थी 11th 12th में, उससे वो अगर आप होती भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये है कि अब कैसे स्टार्ट करनी है, तो अब अगर आप जाके इंटरनेट पर देखना शुरू करेंगे कि क्या सीखना चाहिए, तो आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन आएंगे, कि जैसे आपने देखा कि जो वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं वो वेब प्रोग्रामिंग है सारी, फिर आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं फ़ोन के अंदर वो ऐप है, वो एंड्रॉयड ऐप हो सकती है, वो iOS ऐप, iOS फॉर आईफोन्स एंड ऑल आईफोन आईपैड, वो ऐप हो सकती है। फिर आप ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी जो डेस्कटॉप पे चलती हैं, जो आपके लैपटॉप पे, जो ना तो वेब पे चल रही हैं ना फ़ोन पे चल रही हैं, डेस्कटॉप पे चलती हैं, तो अब वो और लैंग्वेजेस सर्च करेंगे तो कम से कम, मतलब अगर आप जहाँ तक आप पहुँच पाते हैं, जहाँ से आपने इंटरनेट सर्च करके ढूंढा होगा, तो कम से कम 20 से 25 लैंग्वेजेस आए होंगे। वैसे लैंग्वेजेस बहुत है, लेकिन आपको जो नज़र आएंगे 20 से 25 आए होंगे। तो पहला क्या होना चाहिए, तो मेरे को जैसे मैं बोलूँगा कि टू स्टार्ट विद, पहली चीज़ ये होनी चाहिए जिस कॉलेज में भी आप ज्वाइन कर रहे हैं वो
अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो डेफिनेटली हर कॉलेज में पहला कोर्स कोडिंग का होता ही है, बेशक वो आप कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, तो उनका फंडामेंटल कोर्स जो होता है वो होता ही है। तो मेरे हिसाब से वो किस आप सीनियर से पता कर सकते हैं कि जिसका अगर कॉलेज आपका मोर और लेस डिसाइड हो ही गया अभी अभी एक दो हफ्ते में हो जाएगा, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो उसी पे फोकस करना है। जनरली हम लोग ये एडवाइस करते हैं, जैसे C++ लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती इंडस्ट्री के अंदर अभी भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो नहीं यूज़ होती, बट जहाँ सिस्टम प्रोग्रामिंग है वहाँ अभी भी यूज़ होती है, बिकॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेजेज़ है। तो वहाँ और सभी कॉलेज में C++ है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में अभी भी। फिर एक जावा है जो यू नो द कोर लैंग्वेजेस में आती हैं, C++ जावा, मोर और लेस आप देखेंगे, या तीसरा पाइथन है। तो ये तीन लैंग्वेजेस ही हैं जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि C++ जावा शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, बट अगेन जस्ट सी विच कॉलेज यू आर ज्वाइनिंग एंड वट दे टीच इन द वेरी फर्स्ट ईयर, एंड यू शुड डेफिनेट डू इट। उससे एडवांटेज होगा कि आप पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज आती होगी, तो आप एक अपना यू नो क्लास में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है पीयर्स के ऊपर, अगर आपके पास आपको अगर लोग आपके पीयर्स को एक्स कोडिंग आती है और आपको एक्स प्लस वाई आती है, तो लोग आपके अराउंड रहेंगे, आप उनकी हेल्प कर पाओगे, और आप यू नो तो वही को जो कॉन्फिडेंस आता है मुझे बाकियों से ज़्यादा आता है, वही आपको डिफ्रेंशिएट करता है, वही आपका इंटरेस्ट बिल्ड करता है। तो आप पहला स्टेप यही है कि आप देखिए कि आपको आपको क्या पढ़ाया जाता है। अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अभी कॉलेज ज्वाइन करने में टाइम है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो वेट कर लो, इतना कोई एक दो महीने में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट राइट लैंग्वेज पिक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका प्रतीक, तुम्हें मेरा ये तो मेरा थॉट प्रोसेस था, बट तो मेरा व्यू पॉइंट भी ये है कि जैसे पाइथन जैसी लैंग्वेज है, दैट इज ईजी टू लर्न, ठीक है। तो अगर आप मे बी नॉन CS ब्रांच में हो तो आपके लिए पाइथन ईजी पिक करना एक ईजी चॉइस होगी, आप एंड पिक भी कर सकते हो। बट अगर आप CS में हो एंड आपको आगे Amazon, Google, Microsoft की टाइप की कंपनीज को टारगेट करना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार C++ और जावा से स्टार्ट करो, बिकॉज एक तो C++ एग्जीक्यूशन में काफ़ी फास्ट है, तो गूगल Amazon इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स रख देते हैं कि इन दोनों में से आपका एक लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा, जब आप C++ सीख रहे हो एज कम्पेयर टू पाइथन, तो यू गेट टू नो थिंग्स इन मोर डिटेल कि कंप्यूटर पे हार्डवेयर पे मेमोरी कैसे एलोकेट हो रही है, या आप एक मेमोरी सेल पे कैसे पहुंच के उन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको एक इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, एंड वो मेरे को लगता है कि अगर आप C++ जैसी एक लोअर लेवल लैंग्वेज पिक करते हो, सो यू गेट टू नो कंप्यूटर इन मच मोर डिटेल एज कम्पेयर टू पाइथन। नो डाउट पाइथन आज सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, नंबर वन लैंग्वेज है, सो पाइथन भी आपको सीखनी है। बट अगर एक बार आपके लिए C++ सीख लोगे या जावा सीख लोगे, तो पाइथन विल बी अ केक वॉक, ठीक है। सो आपको बस सिंटेक्स लर्न करना है, प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज पिक कर लो, सबके कॉन्सेप्ट सेम है, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू राइट कोड। सो पाइथन ने उस कोड लिखने के तरीकों को सिंप्लीफाई कर दिया, एंड बिहाइंड द सीन लॉजिक वही रहता है, ठीक है। सो लॉजिक बिल्डिंग इज वन थिंग विच यू मस्ट लर्न, लैंग्वेज आप कोई भी पिक कर सकते हो, पाइथन इज जस्ट ईजी टू राइट। और एक और मैं बात इसमें ऐड करूंगा कि अगर आपने C++ या जावा सीखा हुआ है, उसके बाद कोई भी लैंग्वेज सीखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अपने कोर सबका सेम ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रतीक ने बोला कि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट कोर लेवल सेम ही है। लेकिन अब ये मुझे सरप्राइजिंग लगेगा, मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर पाइथन किसी ने सीखा हुआ है, पाइथन में अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, वो पाइथन से उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होगा, उसके बाद C++ जावा सीखना बहुत ही मुश्किल होगा, लगेगा मैं कहाँ पाइथन में कर सकता हूँ, तो मैं ये लैंग्वेज क्यों सीखूँ। अपनी तरफ से वो ठीक होगा, लेकिन अगेन आपने उस तई तरह के जॉब में जाना है, या अपने उस लेवल ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग में जाना है जहाँ पे आपको कोर की पूरी सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप प्रतीक बता रहे थे कि मेमोरी कैसे एलोकेट होनी है, सेल लेवल तक जाना है, कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, वो उसके लिए आपको C++ जैसी ही लैंग्वेज सीखनी चाहिए शुरू में। सो एक यहाँ पे भैया क्वेश्चन है कि हमने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया, बट क्वेश्चन ये कि हाउ डू आई लर्न, ठीक है। सो काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हम ये वाली बुक से पढ़ लें तो हमें कोडिंग आ जाएगी, या हम ये वाला कोर्स कर लें तो हमें कोडिंग आ जाएगी, या सेल्फ स्टडी करें, तो इस पे भैया कैसे होना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए कोडिंग? तो देखिए, मतलब इसमें मैं कहूँगा कि अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और उसको एक कोड लैंग्वेज आती है C++ जावा, तो काफ़ी मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है, इतनी वीडियोज़ यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। तो वो लोग जिन्होंने वो एक लैंग्वेज सीखने में जो शुरू में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कोड लिखा और कोड वो चल नहीं रहा, बहुत कॉमन होता है कि आपने छोटा सा ही कोड लिखा है
उसमें कहीं ना कहीं एरर होगी, लेकिन वो एरर तक पहुंचना वो एक पजल, एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करने से ही मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए. वही उनका टाइम होता है कि उनको लगता है ये मेरे बस की काम नहीं है, क्या फालतू काम में बैठ के उसको चलाने की कोशिश, वहीं फ्रस्ट्रेशन आती है उनको और वहीं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जो शुरू का प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं हो पा रहा है, कंपाइल हो पा रहा है तो रिजल्ट जो चाहिए था, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था सॉल्व नहीं हो पाती है और वहीं से आउट नहीं आता. तो वही उनका लगता है कि यार मेरे को मेरे बस की नहीं है, या मेरे को इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, और क्या बोरिंग चीज़ है बैठ के ये चीज़ पे लगे रहो, तो वही उनका दी एंड हो जाता है. तो अगर बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग, तो मैं कहूँगा कि पहले अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप जाके, जैसे हम लोग कोडिंग ब्लॉग्स में हमारा, जैसे दो मिनट मेंशन करूँ, कोडिंग ब्लॉग्स जो हमने शुरू किया था उसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे जो कॉलेज में बच्चे हैं, अगर कंप्यूटर साइंस में भी हैं, उनको इतनी कोडिंग नहीं आती जितनी आनी चाहिए. तो उनको क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको उस लेवल पे हैंड होल्डिंग करके कॉलेज में नहीं सिखाते हैं प्रोफेसर, या उनका स्टाइल नहीं है, या फिर उनके करिकुलम का पार्ट नहीं है, उनको ज़्यादा एकेडमिकली पढ़ाते हैं वो. तो कोडिंग ब्लॉग्स में हमारा यही आइडिया था कि क्लासरूम में बच्चों को बुलाएं और वो फेज़ उनका पास आउट करा दें, जिसमें उनका ये डिसाइड हो जाता है कि वो इंटरेस्ट है नहीं है, उनसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है. तो अगर बिल्कुल ही आप बिगनर हैं तो क्लासरूम टीचिंग विल बी बेस्ट. और अगर आपने 11th 12th में करा है और डिसेंट लेवल पर करा है और क्लासरूम के ऑप्शन नहीं है जहाँ भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं. अब ऑनलाइन कोर्स जैसे हम लोगों कोडिंग ब्लॉग्स का है, और भी देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन जिनके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और यूडासिटी है, मतलब यू नो इंटरनेशनल इतने सारी वेबसाइट्स हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज हैं. तो ऑनलाइन कोर्सेज का स्टिल बेटर देन यूट्यूब से सीखने के अंदर. यूट्यूब से एक्सपीरियंस लोग, एक्सपर्ट लोग सीख सकते हैं कि आप फोर्थ ईयर में हैं, आप जॉब कर रहे हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं है. यूट्यूब में एक वीडियो उठाई कुछ सुन लिया, अगली वीडियो उठाई कुछ सुन लिया, कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक. और जो शुरू में सीख रहे हैं, माइंड के लिए वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना जरूरी है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आपको चीज़ें बीच बीच में समझ नहीं आएंगी. जैसे आप, अगर आप मैथ का एग्जाम्पल है, जैसे मैं मैथ टीचर, मैथ पढ़ाता हूँ, मैं आपको ऐसे वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर्स का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैं वेक्टर्स के मैंने आपको ए डॉट बी ए क्रॉस भी नहीं पढ़ाया, मैंने सीधा आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर पढ़ाना शुरू कर दिया. तो आप कहेंगे यार ए डॉट बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, बीच का पूरा पार्ट मिस हो गया. तो ऐसे ही ऐसे कैलकुलस मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने डिफ्रेंशिएशन आप बताया आपको, और सीधा मैंने आपको डिफ्रेंशिएबिलिटी समझाना शुरू कर दिया, बीच में डिफ्रेंशिएशन के डेरिवेटिव क्या होता है वो समझाया नहीं. तो यूट्यूब मैं बिल्कुल इंकरेज नहीं करूँगा अगर आप बिगनर लेवल हैं, तो उससे बेटर है कि आप पहले क्लासरूम शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस. क्लासरूम के ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कोर्सेज शुड बी योर सेकंड प्रेफरेंस. और थर्ड है कि आप यूट्यूब या यू नो और सोशल मीडिया या और जो यू नो चैनल्स हैं या ब्लॉग्स हैं उससे पढ़ सकते हो. बाकी बुक्स की भी ऑप्शन है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते आ रहे हैं तो बुक्स की भी ऑप्शन है. बट जनरली क्या होता है, बच्चों को आजकल लोग कोचिंग ज्वाइन करते ही 11th 12th के अंदर बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड ऑल, तो उनको थोड़ा सा बुक से सेल्फ स्टडी करने की आदत छूट जाती है. और सेल्फ स्टडी बुक में क्या ना, कोडिंग के अंदर बुक में थ्योरी तो पढ़ लेंगे, जब वो कंप्यूटर पर जाके प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम नहीं चलेगा, परेशान होंगे, तो वो उनको सिर्फ वो बुक ही पढ़ते चले जाएंगे. बुक पढ़ के कोई कोडिंग सीख नहीं सकता. अगर वो एक बुक पढ़ लो, पाँच बुक पढ़ लो, दस बुक पढ़ लो, जब तक हैंड्स ऑन आपने कंप्यूटर के आगे बैठ बैठ के कोड नहीं लिखे हैं आपने, मैं 200 कहता हूँ कि 200 प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, तो आपका फंडामेंटल लेवल वो बेबी स्टेप क्रॉस ही नहीं हुआ. जब 200 प्रोग्राम बना लेते हैं, उनकी नॉलेज होती है, then you can call yourself as a software programmer and that too is at a basic level. तो आप प्रतीक कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? की मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मुन्ना भैया के साथ कि शुरू में काफी लोग थोड़ा सा कोडिंग स्टार्ट करते हैं, उनके एरर्स आते हैं, एंड दे क्विट. उसको क्विट नहीं करना, ठीक है? आप ये समझ लो कि आप एक हिल क्लाइम कर रहे हो, एंड अगर आप चढ़ते चढ़ते ही छोड़ दोगे तो आगे की जर्नी आप कैसे एक्सप्लोर कर पाओगे. तो हिल के टॉप तक पहुंचना कि जो शुरू वाली आपकी एरर्स वाली सिचुएशन है, जब फ्रस्ट्रेशन लेवल आने लगती है, तो वहां पे यू नीड सम हेल्प. तो वो हेल्प आपकी पीयर्स के थ्रू आ सकती है या आपके मेंटर्स के थ्रू आ सकती है, ठीक है? तो अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो यू गेट टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल जो सिमिलर चीज पे काम कर रहे, तो आपको एक हेल्प मिलती है, एक बूस्ट मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है. मेरा नहीं हो रहा, इसका भी नहीं हो रहा, इसका हो रहा है, तो इसने क्या एक्स्ट्रा किया जो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो पीयर ग्रुप वाली लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप कहीं दूर कॉलेज में हो, आप क्लासरूम कोर्स में नहीं आ सकते, तब भी आप कॉलेज में अपना पीयर ग्रुप ऐसा रखो कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके साथ रहो, उनसे भी सीखो, ऑनलाइन कोर्सेज लो, उनसे भी सीखो. तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो काफ़ी लोग फर्स्ट ईयर में भटक जाते हैं कि यार ये अच्छा मूवीज आ रही है, आईपीएल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स आ गया, चलो फ्रेंड्स देखने लगते हैं, ये देखते हैं.
तो उन सब चीजों को थोड़ा सा आपको अपना टाइम कम करना है, एक थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं आ रहा कि कोडिंग ही करते रहो, एंजॉयमेंट भी इम्पोर्टेंट है, बट देयर शुड बी बैलेंस। कि अगर आपने सोचा कि मैं हफ्ते में 10 घंटे प्रोग्रामिंग को स्पेंड करूंगा फर्स्ट ईयर से ही, देन यू मस्ट स्पेंड इट। तो इसका फायदा आपको ही होगा, 2 साल बाद जब आप इंटरव्यूज के लिए या प्लेसमेंट के लिए या कंपनी इंटर्नशिप्स के लिए बैठोगे, तो यू विल रियलाइज कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक बहुत हायर लेवल पे होगा एज कम्पेयर टू अदर्स जिन्होंने कोडिंग पे बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया है, जिन्होंने 2 महीने का क्रैश कोर्स कर लिया, 2 महीने की तैयारी कर ली। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फर्स्ट ईयर से इस पे लग जाओ। तो ये जो प्रतीक ने जो पीयर्स वाला बोला है कि कॉलेज में पीयर्स से बहुत फर्क पड़ता है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मेरे से नगारों में आई लीड देयर फ्रेशर हायरिंग, यू नो द होल इनिशिएटिव, एंड आई एम डूइंग इट सिंस बिगनिंग। पहले तो मैं भी कैंपस पे जाता था पहले 7-8 साल, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता। तो जैसे बड़े लीड दैट टीम, हम 400 लोग हायर करते हैं हर साल। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ कॉलेजेस में प्रोग्रामर कोई ऐसे कोई Tier 1 कॉलेजेस भी नहीं है, IITs, NITs, Tier 2, Tier 3 लेवल के कॉलेजेस हैं, बट प्रोग्रामर्स बहुत अच्छे हैं। और वहाँ से समझ आता है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल कोडिंग नहीं आती है, मतलब काफ़ी कॉलेज में बिल्कुल ही लेवल पुअर है वुड से। तो जहाँ जो लेवल अच्छा है वो देखता हूँ कि जो पीयर्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्लास के अंदर और वो अपने साथ अपना जो वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बाकी लोग भी उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो पूरा मतलब यू नो एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके, एक दूसरे को सिखा के अपना उन्होंने अपना कोडिंग क्लब्स भी बना रखा है। तो सबका ही लेवल ऐसे धीरे धीरे पूरे और उनसे इंस्पायर होकर ऐसा पूरा यू नो पूरा सर्कल बन जाता है, बाकी लोग भी इंस्पायर शुरू होते हैं, तो पूरे कॉलेज का बेस लेवल ही ऊपर चला जाता है। तो अपने कॉलेज में भी आपने ये करना है कि जो ठीक है मौज मस्ती करनी है, आई अंडरस्टैंड अभी 11th 12th में बहुत पढ़ाई करी है आपने, बट एट द सेम टाइम कि देखिए कि कोई जो कोडिंग क्लब है या कोई पीयर्स हैं जो कोडिंग में इन्वॉल्व हैं कहीं, आई एम श्योर कि क्लब्स होंगे आपके, तो उनके साथ जरूर एसोसिएट होना है और उनसे जरूर सीखना है जो आपके सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, तो वो आपका दिमाग में चलता रहेगा कि यार मतलब कि आप मतलब यू नो कि अगर कुछ कोर्स ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं अगर फर्स्ट ईयर में, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा करना है आपने, बट लेकिन ये पीयर्स के साथ जरूर एसोसिएट रहना है। बहुत मतलब आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पूरा इंडस्ट्री भी, क्योंकि फोर्थ ईयर थर्ड ईयर से कनेक्टेड है, फोर्थ ईयर इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर से, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से, तो पूरा जो इकोसिस्टम कॉलेज में जो बच्चों का होता है ये हमेशा यही बच्चे हैं जो हमेशा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हेल्प मिलती रहेगी और एक कंटीन्यूअस गाइडेंस भी मिलती रहेगी कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कोडिंग करना इज वन थिंग, बट आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, वेराइटी पे फोकस करना है या क्वान्टिटी पे फोकस करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो द चॉइस ऑफ क्वेश्चन, द वे यू प्रैक्टिस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइडेंस आपको कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी पीयर्स के थ्रू। सो एक और स्टूडेंट है, उसने पूछा है, भैया हाउ शुड आई चेंज माई गियर फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टू कोडिंग। की यार 3 साल हो गए PCM कर रहे हैं हम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम से कोडिंग कैसे कर लें? ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लो हम गाड़ी चला रहे थे और एकदम से आपको बोलो स्विमिंग करने लग जाओ, तो कैसे एकदम से उस ट्रांजिशन को बियर करना है या कैसे उसमें आना है, तो इस पे भैया आपका क्या एडवाइस रहेगा? हाँ देखो, मैं उसमें उससे अगला क्वेश्चन भी है जिसमें लिखा है कि राइट टाइम टू स्टार्ट कोडिंग, तो दोनों में थोड़ा सा मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा कि ऐसे 11th 12th में किसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, रेस्पेक्टिव ऑफ आप क्या आपका रैंक आए हैं, कौन से कॉलेज में आप जाएंगे, लेकिन जो 2 साल मैं कहूँगा जो आपने हिसाई करी है, हार्डवर्क किया है, उससे जो आपको हार्डवर्क ये जो एटीट्यूड आया है लाइफ में हमेशा काम आएगा, और कॉलेज में तो पक्का ही काम आएगा कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि जॉब तो कई बार डंडे से आपसे काम करवा लेती है, कॉलेज में तो सेल्फ मोटिवेशन से ही काम होता है, कि जो आपको हार्डवर्क करने की जो हैबिट पड़ी है ना वो अभी आपकी रहेगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो एक कनेक्शन है कोडिंग से, कि कोडिंग में शुरू में वो चीज़ चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ईजी एज़ कम्पेयर टू आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ हैंडल करनी है, इतना वॉल्यूम हैंडल किया है, कोडिंग माइट बी यू नो लाइक अ केक वॉक एज कम्पेयर टू वॉट यू हैव लर्न इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और दूसरा आप देखिए मैथ क्या है, मैथ में मैथ टीचर हूँ तो मैं हमेशा मैथ के पहला एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैथ में लॉजिक्स हैं, आपको पता ही है कि ट्रिक्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, लॉजिक्स हैं, और पूरा कोडिंग लॉजिक्स ही है। कोडिंग का पहला पार्ट ही यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, इसके लिए कोड लिखना है, तो प्रॉब्लम को पहले लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा, कंप्यूटर तो लॉजिक से तरह बात करता है, उसके बाद में आता है कि उसका सूडो कोड कि इस तरह से मैं कोडिंग लैंग्वेज बनाऊंगा, फिर एक्चुअल लैंग्वेज आती है वो किस लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं आप। तो पहला ही मैथ की तरह ही जो लॉजिक्स जो आपने ट्रिक्स लगाई हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, वही सारा मैथ का लॉजिक है। और फिजिक्स में तो अब जैसे मतलब फिजिक्स तो पढ़े मुझे बहुत टाइम हो गया,
लेकिन जैसे आपका मैकेनिक्स थी फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स जो है, रोटेशनल मोशन, तो वो चीज मतलब ऐसे नहीं काम आएगी, लेकिन वो ऐसे काम आएगी जैसे आपने गेम, बहुत लोगों को शौक होता है खेलने का तो होता ही है, लेकिन गेम प्रोग्रामिंग का भी शौक है बच्चों को, और बड़ा इंटरेस्टिंग होती है गेम प्रोग्रामिंग, गेम बनाना। तो गेम बनाने के अंदर जो सारा फिजिक्स है वही काम आता है इसमें, गेमिंग इंजन। प्रतीक आप तो पढ़ाते हो, आपका तो कोर्स भी ऑनलाइन गेम 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 डेवलपमेंट का, गेम डेवलपमेंट से छोटी सी स्टोरी है। तो कॉलेज टाइम में मैं था, तो मेरे को भी थोड़ा सा ग्राफिक्स में भी इंटरेस्ट था, कोडिंग में भी था, और गेम डिजाइनिंग में भी था। तो आई मेड एन इंटरेक्टिव रिज्यूमे जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, इट्स अ मारियो स्टाइल रिज्यूमे, ठीक है। सो यू कैन सी ऑन माय वेबसाइट pratiknarang.com, उसमें मैंने फर्स्ट ईयर बनाया था, कॉलेज फर्स्ट थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में। तो मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी उसके लिए, देन एक फ्रेमवर्क था उसका फेजर, वो सीखा। आप लोग यूनिटी भी कर सकते हो, बट क्योंकि वेब पे बेस्ड था तो जावास्क्रिप्ट वाज अ बेटर चॉइस। एंड देन आप बिलीव नहीं करोगे, इट गॉट व्यूअर्स फ्रॉम 120 कंट्रीज, 120 लोगों से, 120 कंट्री से लोगों ने उस रिज्यूमे को खोल के देखा। कुछ नहीं था, सिंपल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कोड के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किए थे कि जंप कर रहे हैं, ग्रेविटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड काफी सारे लोगों को शौक होता है पबजी खेलने का इसका, तो एज्यूम करो कि अब कल को आप अपना ऐसा गेम बना लो जो इतना पॉपुलर हो जाए, सो यू विल गेट लॉट ऑफ रेपुटेशन। बहुत सारी कंपनीज है गेमिंग में, ईए स्पोर्ट्स हो गया, कैचअप गेम्स हो गया, दे ऑल्सो हायर प्रोग्रामर्स, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोग्रामिंग के साथ डिजाइनिंग का, क्रिएटिविटी का शौक हो, तो आप दोनों स्किल्स को क्लब करके भी कुछ इंटरेस्टिंग अपनी गेम्स या एप्स लॉन्च कर सकते हो, राइट। तो दिस वॉज अबाउट कि कैसे हमें PCM से कोडिंग में आना है, एंड क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, एंड राइट टाइम टू स्टार्ट कोडिंग। भैया थोड़ा राइट टाइम टू स्टार्ट कोडिंग, मैं जैसे मैं अपना एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने तो 7th-8th में स्टार्ट किया था, बिकॉज घर में था एटमॉस, भैया लोग भी IIT से पास आउट थे और कंप्यूटर साइंस, तो भैया ने गाइड किया था। तो जल्दी कोडिंग स्टार्ट करने से मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि जैसे मैं कंप्यूटर्स में नहीं भी था, बट वन ऑफ दिन विकास साइकिल माई बैचमेट, ही वॉज you know forming Nagaro software, he invited me to be part of it just because he knew that I am a you know a good coder in college. To dekhiye mere ko ki code ke advantage kyun mila, kyunki mere ko first year se ya usse pehle se bhi coding aati thi, to mujhe opportunity mil gayi, to early start ka hi fayda hota hai. Dusra fayda sabse pehle ye dekho, abhi baat kari thi humne ki aapko C++ java code language seekhni hai. Agar yehi cheeze hai, log seekhte hain 3rd-4th year mein jab unko job chahiye hoti hai, us time wo utna sa seekh ke reh jate hain, उनको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई किसी को माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, वॉलमार्ट, इन सब कंपनी में अगर काम करना है तो वो ऐसे कोई 2-4-6 महीने में सीखे हुए लोग नहीं लेते हैं, वो उनको उनको थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। तो एक ही एडवांटेज है कि अगर अपनी ड्रीम कंपनी में काम करना है तो आपके लिए अर्ली स्टार्ट बेटर है। अर्ली स्टार्ट आई वुड से व्हाई नॉट द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। सेकेंड एडवांटेज है, लोग जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत आपको आजकल क्रेज है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी कुछ लोग हैं जो बिजनेस साइड से आते हैं, जिनके पास आइडिया है, जो यू नो बिजनेस प्लान मैनेज कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हैं, ऑपरेशन रन कर सकते हैं, बट अभी भी जितने भी स्टार्टअप कॉलेज से स्पिन होते हैं वो सारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ही होते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी रिप्रेजेंटिंग यू नो योर टेक्नोलॉजी साइड ऑफ योर स्टार्टअप, तो वो टेक्नोलॉजी कोई 2-4 महीने कोर्स करके नहीं बना सकते। अगर आप पूरा स्टार्टअप बना रहे हैं तो आपको ईयर्स ऑफ कोडिंग नॉलेज चाहिए, ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कोडिंग मैं टेक्नोलॉजी करूँगा, कोडिंग तो बेस है, बाकी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। अब जैसे आप आजकल आपने सुना होगा या अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से, जैसे आजकल जो क्रेज़ है पूरी इंडस्ट्री मूव कर रही है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मूव कर रही है, और कह रहे हैं कि अगले 5-10 साल में इतनी शॉर्टफॉल रहेगी इसमें लोगों की, क्योंकि हर चीज़ मशीन लर्निंग AI पे आ रही है, हर चीज़ में AI आ रही है। तो उसमें अगर आप AI सीखनी है तो आपने ऐसे कोई अगेन 2-4 महीने में नहीं सीख सकते हैं, वो तभी सीख सकते हैं जबकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, C++, जावा, फिर पाइथन, फिर उसमें मैथमेटिक्स भी आना चाहिए आपको उसके अंदर। आपको आप तो पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, आप थोड़ा बताना, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो सेकंड थर्ड ईयर में आप मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग सीखने के अंदर कम से कम 1 साल लगता है, या तो आपके पास CS में है और कॉलेज में कोर्सेज हैं मशीन लर्निंग आई के, तो बहुत एडवांटेज होगा आपको। अगर नहीं है तो आपको खुद से सीख रहे हैं तो 1 साल तो मान के चलिए। तो अगर आप 3rd-4th year की बात कर रहे हैं जहाँ आपको अपनी ड्रीम कंपनी में काम करना है या स्टार्टअप बनानी है, तो 3 साल में इतना कुछ सीखने को है, मैं यू नो सारी चीज़ें, और ये तो मैं बहुत पॉपुलर चीज़ें बता रहा हूँ, बीच में और चीज़ें भी आपने सीखनी है, उससे आपको ऐप डिज़ाइन सीखना पड़े। तो अर्ली स्टार्ट वाले ही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, मतलब सेकेंड ईयर तो मस्ट है करना, फर्स्ट ईयर से ही होना चाहिए, थर्ड ईयर में जो शुरू करते हैं वो तो ज़्यादा नहीं आगे जा पाते हैं। बाकी आप बताओ, आप
तो देखो ट्रेंड चेंज हो गया. अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करूं तो थर्ड ईयर वाले भी कर लेते थे. अब कंपटीशन इतना हो गया और कोडिंग की अवेयरनेस बढ़ गई है, ठीक है, एंड कंपनीज की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है कि इफ स्टूडेंट इज ज्वाइनिंग देन ही शुड मस्ट लर्न दिस. तो अगर मुन्ना भैया के टाइम की बात करें तब तो इंटरनेट ही नहीं था, तो वेब डिजाइनिंग ऐप डिजाइनिंग की तो बात ही नहीं थी. बट जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, सो डिमांड भी बढ़ रही है एंड स्किल्स की नई स्किल्स भी मार्केट में आ रही हैं, ठीक है. मशीन लर्निंग आज से 10 साल पहले उतना पॉपुलर नहीं था जितना आजकल है. तो यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. तो फर्स्ट ईयर जैसे ही आपका 12th खत्म हुआ, इवन मैं आई विल सजेस्ट कि आप समर वेकेशन से ही अपना समर वेकेशन, आपके पास 2 महीने होते, कुछ नहीं करना होता, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द समर वेकेशन ओनली, राइट. जैसे जून जुलाई का टाइम चल रहा है, क्योंकि अगस्त में जब आप कॉलेज चले जाओगे तो आपका नया कॉलेज होगा, तो आपको थोड़ा एनवायरनमेंट में सेट होने में टाइम लगेगा, राइट. बट समर में आप कर लोगे तो यू विल हैव अ गुड किक स्टार्ट इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, राइट. तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. इससे आइडिया की कंपटीशन बढ़ रहा है. जैसे आप, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारे ऐसे कोडिंग ब्लॉक्स के 3 सेंटर हैं, पीतमपुरा में, नोएडा में और द्वारका में. तो समर में ही हमारे यहाँ क्लासरूम के अंदर वी आर टीचिंग 2000 स्टूडेंट्स, अराउंड 2000 स्टूडेंट्स, और फिर यू नो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें अराउंड बिटवीन 500,000 एक हर महीने में ज्वाइन कर रहे हैं. और ये तो कोडिंग ब्लॉक्स हैं, देर आर सो मेनी अदर यू नो कोडिंग कॉलेजेस इन दिस एरिया, अराउंड दिस एरिया, इन दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया. तो अब वो जो टाइम काफ़ी चेंज हो गया अगले पिछले 5 साल में. तो पहले 5 साल पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और इतने कोई हैकाथॉन, GSOC और इतनी कम्पिटिटिव कोडिंग और इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाइपिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. अब वो ना सप्लाई डिमांड वाली बात है, अगर डिमांड है तो सप्लाई भी बढ़ रही है. तो इसलिए अगर आपने अपना स्टार्टअप करना है या टॉप एंड कंपनी में जॉब करना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना ही पड़ेगा. सो यहाँ पे बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ भैया की सारी बातों से यहाँ पे. एंड अब आज का जो सेशन था वो हमने इसी पे सोचा था कि कोडिंग फॉर बिगिनर्स, राइट, क्यों करनी है, क्या एप्लीकेशन है, कैसे करनी है, इस सब के बारे में हमने कोडिंग पे चर्चा की. काफी मजा भी आया. सो थैंक यू भैया फॉर ज्वाइनिंग टुडे. बट अभी यहाँ पे खत्म नहीं कर रहे हैं. वी विल बी बैक विद अनदर सेशन नेक्स्ट डे ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉलेज. जैसे कि बच्चों ने पूछा GSOC कैसे प्रिपेयर करें, या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो कैसे कोडिंग करें, या IIT में ये ब्रांच मिल रही है या DTU में ये ब्रांच मिल रही है तो क्या ज्वाइन करना चाहिए, या फिर अगर गूगल माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज की बात करें तो एग्जैक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन सब क्वेश्चंस की हम बात करेंगे. उसके अलावा थर्ड डे जो हमारा थर्ड सेशन होगा उसमें हम थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप, मशीन लर्निंग, AI, ड्रीम कंपनीज में कैसे अप्लाई करना है, उस सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है. और अगर और क्वेश्चंस हो तो यू कैन पोस्ट इन कमेंट्स. वी वुड लव टू टेक अप दोस क्वेश्चंस एज वेल. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल आल्सो, राइट.